इंडिया का आज तक का सबसे लंबा सी ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनाया जा रहा है। मुंबई और नवी मुंबई के बीच 22 किलोमीटर लंबाई के साथ इसे बनाने में 18,000 करोड़ रुपए लगेंगे। बनने के बाद सफर में 30 मिनट का समय बचेगा। साथ ही दो मेजर एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और अंडर कंस्ट्रक्शन मुंबई कोस्टल रोड से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसे टोटल 6 लेन्स होंगी और 70,000 व्हीकल्स हर रोज इसका इस्तेमाल करेंगी। मुंबई सिटी की टोटल पॉपुलेशन 1.3 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जिससे इसकी पब्लिक यूटिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरबर्डन हो रहे हैं। हाउसिंग शॉर्टेजेस, लैक ऑफ ओपन स्पेसेस, रोड कंजेशन और रेलवे ओवरक्राउडिंग से मुंबईकर्स काफी परेशान हैं। पानी से घिरे होने की वजह से इसका एक्सपेंशन तो काफी मुश्किल है, इसलिए ईस्टर्न साइड पर नवी मुंबई को एस्टेब्लिश किया गया था 1970s में। मुंबई की पॉपुलेशन को स्प्रेड आउट करने के लिए इसे प्लान किया गया था। वाशी ब्रिज भी इसी समय के अराउंड बनाया गया था दोनों सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। इससे डायरेक्टली पुणे तक भी जा सकते थे यात्री। आज भी ये एक इररिप्लेसेबल लिंक है दोनों के बीच। एरोली और वाशी ब्रिज दो ऑपरेशनल रूट है नवी मुंबई तक, जो की नियर कैपेसिटी फंक्शन कर रहे हैं। 1990s में न्यू वाशी ब्रिज बनाया गया पुराने वाले के साथ में, जिससे टोटल लेन्स 2 से 6 हो गई थी, मगर वो भी अपनी लिमिट रीच कर रहा है। बढ़ते ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए नए लिंक को बनाने की जरूरत महसूस हुई, जो कि डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम दोनों को कम करे। यहाँ एंट्री होती है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की। ये मुंबई के शिवरी से स्टार्ट होगा, जहाँ ईस्टर्न फ्रीवे के साथ एक कॉम्प्लेक्स वाई इंटरचेंज बनाएगा। आगे ऐसे ट्रॉम्बे की कोस्ट लाइन के पास से होता हुआ गुजरेगा, सी में टर्न्स लेकर फाइनली नवी मुंबई में एंटर कर जाएगा उल्वे में। खारकोपर स्टेशन के पास से होता हुआ इस हाईवे को क्रॉस करेगा NH 348 पर खत्म होने से पहले। बीच में इसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई कोस्टल रोड से भी कनेक्ट किया जाएगा, जो इसे प्रपोज्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाएगा। इससे ट्रक्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT तक भी आसानी से जा पाएंगे, पूरा ऊपर से घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। 22 किलोमीटर में से 17 किलोमीटर सी के ऊपर होगा और बाकी 5 किलोमीटर लैंड पर वायाडक्ट्स के साथ। 148 स्पेशल स्टील डेक्स लगाए जाएंगे, जो कि लॉन्गर स्पैन्स को एनेबल करेंगे बड़ी शिप्स की इजियर मूवमेंट के लिए। इसका ये 4 किलोमीटर वाला पार्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है ज्यादा हाइट और लंबे स्पैन्स के साथ। 110 मीटर की स्पैन लेंथ के साथ ये देश के सबसे लंबे स्पैन्स में से एक हो जाएंगे। ट्रांस हार्बर लिंक का एक एक्सपेंशन प्रपोज किया गया है ईस्टर्न साइड में, जो इसे करनाला बर्ड सेंचुरी के अराउंड घुमाते हुए पुणे एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देगा, मगर इस पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन मुंबई वाले एक्सटेंशन में कुछ प्रोग्रेस देखने को मिली है, जहां वर्ली शिवडी कनेक्टर को अप्रूवल दे दिया गया है। ये शिवडी में ईस्टर्न फ्रीवे और हार्बर लिंक के बीच बनने वाले 3-लेवल इंटरचेंज से शुरू होगा, फिर परेल में मुंबई मोनोरेल के भी ऊपर से होता हुआ जाएगा 500 मीटर लेंथ के लिए, और यहां इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा अंबेडकर नगर मोनोरेल स्टेशन के ऊपर 27 मीटर हाइट पर। काफी इंप्रेसिव अचीवमेंट होगी, ये देश में पहली बार देखने को मिलेगा। आगे प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के ऊपर से जाएगा और ऐसे घूमते हुए वर्ली में खत्म हो जाएगा, जहां से यात्री बांद्रा वर्ली सी लिंक और अंडर कंस्ट्रक्शन मुंबई कोस्टल रोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रांस हार्बर लिंक को स्टेट गवर्नमेंट की MMRDA मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनवा रही है लगभग 18,000 करोड़ रुपए में। इसके लिए 130 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर किया गया है मोस्टली नवी मुंबई में। सिडको सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक दूसरी स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है, जिसने अपना 50% लैंड दिया है इसके लिए और बाकी लैंड प्राइवेट ओनर से खरीदा गया है। 270 टोटल पिलर्स बन रहे हैं, जिसमें से 177 सी में होंगे। इंडिया में पहली बार ऑटोमेटिक गर्डर लॉन्चिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ है इसके लिए। 454 ट्रीज को भी काटा गया है, मगर 550 नए प्लांट्स को लगाने का प्रॉमिस किया है MMRDA ने। इसके अलावा वसई में 2000 और प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। एक टेम्पररी ब्रिज, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है सीलिंग के साथ 5.6 किलोमीटर लंबा, उसे डिमोलिश नहीं किया जाएगा, बल्कि एंथुजियास्ट के लिए एक बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग। ये फ्लेमिंगोज और उसके जैसे और भी माइग्रेटरी बर्ड्स का एक अमेजिंग क्लोज व्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये बर्ड्स इधर ही शिवडी मड फ्लैट्स में मैंग्रोव्स के पास आती हैं ह्यूज नंबर्स में। एक बर्ड वॉचर के लिए पैराडाइज है। सी लिंक 6 लेन्स का होगा, मगर पहले इसके प्लानिंग स्टेजेस में इसके साथ एक मेट्रो लाइन भी प्रपोज की गई थी। ये एक डबल डेकर ब्रिज प्लान किया गया था, जिसमें लोअर लेवल पर मेट्रो चलती और ऊपर गाड़ियां, मगर इसको रिजेक्ट कर दिया गया मोस्टली कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से। फ्यूचर में जो नवी मुंबई तक मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, उसके लिए थाने क्रीक पर एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां तक जाएगी वो मेट्रो लाइन। मुंबई का CSMI एयरपोर्ट अपनी कैपेसिटी रीच कर चुका है और इसे एक्सपैंड करने की जगह भी नहीं है इधर, इसलिए एक नया एयरपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ी। 16,700 करोड़ रुपए लगेंगे इसके फर्स्ट फेज में, जिसमें एक टर्मिनल बिल्डिंग और 2 रनवेज बनाए जाएंगे। सिटी से 40 किलोमीटर दूर होगा और स्टार्टिंग में 1 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा हर साल। ट्रांस हार्बर लिंक से एयरपोर्ट डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएगा, मगर प्रपोज्ड मेट्रो लाइन 8 पुराने और नए एयरपोर्ट को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी थाने क्रीक से जाते हुए। हार्बर लिंक से नवी मुंबई और पुणे ट्रैवल करने में भी टाइम बचेगा और वाशी ब्रिज के बढ़ती कंजेशन को भी रिलीफ मिलेगा। 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 84% काम कंप्लीट भी हो चुका है और इसी साल सितंबर 2023 में खुलने की उम्मीद है। हर रोज इस पर 70,000 व्हीकल्स ट्रैवल करेंगी एस्टिमेट्स के हिसाब से। इस प्रोजेक्ट को बनते वक्त कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि लोकल फिशरमैन इससे ना खुश थे फिशिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से। MMRDA ने इसे सॉल्व करने के लिए 1,500 फिशरमैन को लाखों रुपए दिए, ताकि वो अपना घर चला पाए कंस्ट्रक्शन
के समय। इसके अलावा एनवायरमेंटल डैमेज का भी काफी खतरा था इसमें। फ्लेमिंगोज और दूसरी कई माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ शिवरी मड फ्लैट्स में आती हैं फ्रीक्वेंटली, जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट होती कंस्ट्रक्शन से और उसकी कांस्टेंट नॉइज से। इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांस हार्बर लिंक के 6 किलोमीटर सेक्शन में नॉइज और विजन बैरियर्स लगाए जाएंगे। विजन बैरियर्स इसलिए ताकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्रॉम्बे के कोस्ट पर ही मौजूद है, उसमें प्राइवेसी प्रोवाइड हो सके। इन एरियाज में रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग मेथड का भी इस्तेमाल किया गया नॉइज और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए। इस प्रोजेक्ट में कई डिलेज भी आए, कुछ कंस्ट्रक्शन डिफिकल्टीज के साथ कोविड ने भी इसे काफी डिले कर दिया। अब ये फाइनली 2023 में खुल जाएगा होपफुली। हमने ट्रांस हार्बर लिंक के फायदे तो गिन लिए, अब थोड़ी बात करते हैं कि क्यों लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं मुंबई से नवी मुंबई और दूसरी सैटेलाइट सिटीज में, जैसे कि थाने और मीरा भाईंदर। इसके दो मेन कारण हैं, कार्स और हाउसिंग प्राइसेस। कार्स और बाइक्स के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन से लोगों को लंबे डिस्टेंसेस ट्रेवल करना इजी हुआ, तो वो अपने वर्क प्लेसेस से कई किलोमीटर दूर रहने लग गए, क्योंकि सिटीज में बढ़ते हाउसिंग प्राइसेस की वजह से उन्हें अफोर्ड करना मुश्किल साबित होने लगा। हाउसिंग प्राइसेस के साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी स्पीड से बढ़ रही है, स्पेशली मुंबई में। पिछले 20 सालों में एवरेज हाउसेस के प्राइसेस 2.2 टाइम से बढ़ गए हैं, जबकि इनकम उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी। अफोर्डेबल हाउसिंग की भारी कमी है मुंबई में, सिर्फ स्लम्स और बैडली मेंटेन चौल्स ही बचे हैं लो इनकम वाले रेजिडेंट्स के लिए। ट्रांसपोर्टेशन भी बुरी हालत में है, लोकल ट्रेन्स ओवरक्राउडेड रहती हैं, रोड्स भी कंजेस्टेड रहती हैं पीक आवर्स में। और दूसरी तरफ नवी मुंबई और थाने में चीपर हाउसेस मिल जाते हैं इजीली, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी 20-30% कम है मुंबई से। इसके अलावा इधर के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स भी बूम करने लगे हैं रिसेंटली बेहतर लेबर पूल होने से, जिससे कई और लोगों ने अपनी जॉब्स भी चेंज कर ली हैं इधर। मगर अभी भी ज्यादातर लोग मुंबई की कंपनीज में ही काम करते हैं और उन्हें हर रोज अप डाउन करना पड़ता है। इंडिया की सारी मेजर कंपनीज के ऑफिसेस मुंबई में ही बेस्ड हैं, जैसे कि टाटा, रिलायंस और बिरला। पिछले कुछ सालों में रोड्स और रेल कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होने से भी इन सबर्ब्स को काफी फायदा हुआ है, जिससे नवी मुंबई और आकर्षक बन गया है। उन लोगों के लिए हर रोज ट्रैवल करने में 1-1.5 घंटा लगाना बेटर ऑप्शन है मुंबई में घर लेने से। ये कई कारणों में से एक है जिससे पिछले 20 सालों में एवरेज डेली ट्रैवल टाइम बढ़ गया है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। ज्यादातर लोग तो ट्रेन्स और बसेस का इस्तेमाल करते हैं, मगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी पर्सनल व्हीकल से जाना प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्स को कम डिजायरेबल बनाने के लिए नए पब्लिक ट्रांजिट अल्टरनेटिव्स प्लान करने पड़ेंगे दोनों सिटीज के बीच, जैसे कि RRTS। इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक सिटी को स्पीड से ग्रो करने के लिए लो इनकम रेजिडेंट्स की भी काफी जरूरत होती है, जो कि मोस्टली इमिग्रेंट्स ही होते हैं। उनका होना सिटी के लिए एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि वो लो स्किल्ड जॉब्स करते हैं चीप रेट्स में, जो कि हायर इनकम रेजिडेंट्स ना ही करना चाहते हैं, और उन रेट्स में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाना, जिसके ना होने से स्लम्स और इलीगल कॉलोनीज देखने को मिलती हैं हर जगह। जो भी नए रेजिडेंशियल टावर्स बन रहे हैं मुंबई में, उनमें से किसी में भी अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबल नहीं है। कई केसेस में तो ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, इसीलिए लाखों अपार्टमेंट्स खाली पड़े हैं इन टावर्स में, और दूसरी तरफ लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। इनइक्वालिटी काफी इंक्रीज हुई है रिसेंटली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई को देश में हाईएस्ट रेट किया है, जिसमें रेजिडेंट्स अपनी मंथली इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा हाउसिंग में लगाते हैं। इसके बावजूद भी शहर की 60% पॉपुलेशन स्लम्स और कच्चे घरों में रहती है, जहां की लिविंग कंडीशंस काफी खराब हालत में हैं। धारावी, जो कि एशिया का लार्जेस्ट स्लम है, यहां 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसमें कई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के साथ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं। इस स्लम के 240 हेक्टेयर एरिया को रीडेवलप करने का प्लान भी चल रहा है। अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करने के लिए भी लोगों को नवी मुंबई और दूसरे सबर्ब्स में मूव करना पड़ता है अपनी जॉब से दूर। नए एरियाज और कॉलोनीज को और कार फ्रेंडली बनाया जा रहा है, चौड़ी रोड्स, जरूरत से ज्यादा पार्किंग, सिंगल यूज जोनिंग और बिल्डिंग्स एक दूसरे से दूर बनाई जा रही है। लोगों के पास अब ड्राइविंग के अलावा ऑप्शंस भी घटते जा रहे हैं। घंटों बिताते हैं लोग ट्रैवल करने में, जो कि एक तरह से अर्बन प्लानिंग का फेलियर कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा है कि रोड कैपेसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दी जाए वो हमेशा कंजेस्टेड हो ही जाएंगी कुछ सालों बाद। कंजेशन से सिटी को इकोनॉमिक लॉसेस के साथ साथ पॉल्यूशन से भी डील करना पड़ता है, टाइम वेस्टेज और लोगों की हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है इससे। रोड ट्रैफिक कम करने का सॉल्यूशन है इन अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बेहतर सिटी प्लानिंग करना। सारी सिर्फ बुरी खबर नहीं है, ये भी मेंशन करना जरूरी है कि कई कदम उठाए जा रहे हैं इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मेट्रो, स्लम रीडेवलपमेंट और सबर्बन रेल में इंप्रूवमेंट्स। नवी मुंबई की अपनी मेट्रो भी बन गई है और मुंबई मेट्रो की कई लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक प्रपोज्ड लाइन 8 है जो कि नवी मुंबई तक जाएगी थाने क्रीक से होते हुए। धारावी रीडेवलपमेंट में कुछ एरिया रिजर्व किया गया है ताकि स्लम ड्वेलर्स को उधर ही अकोमोडेट किया जा सके। ट्रांस हार्बर लिंक से कनेक्टिविटी बढ़ी है, ये कार्गो मूवमेंट में हेल्प करेगा सिटी से एयरपोर्ट और JNPT के बीच। एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और सीपोर्ट को भी अपग्रेड किया जा रहा है। मगर इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया जा सकता है सिटी को बेहतर बनाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के साथ साथ कार सेंट्रिक अप्रोच को अवॉइड करके साइकिल लेन्स को बढ़ाना और मिक्स यूज जोनिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना काफी जरूरी है। अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी लोगों के बीच पर्सनल व्हीकल्स के नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में और साइकिलिंग के हेल्थ, एनवायरमेंटल और सोसाइटल बेनिफिट्स के बारे में। मुंबई और नवी मुंबई के बीच RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा सकता है,
जैसे जो अभी दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहा है। ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क होगा जिसमें ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से दौड़ पाएंगी। स्टेशन के बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा रखा जाएगा। ये मेट्रो से एक लेवल ऊपर आती है क्योंकि इसे सिटी के अंदर ट्रैवल करने के बजाय दो पास की सिटीज के बीच ट्रैवल किया जाता है क्विकली। मेट्रोपॉलिटन रीजन की सारी मेजर सिटीज या टाउन सेंटर्स इससे कनेक्ट किए जा सकते हैं। मुंबई के केस में थाने, कल्याण, मीरा भयंदर और विरार भी इसका पार्ट हो सकते हैं। इससे लोकल ट्रेन और कार्स दोनों से फास्टर ट्रैवल पॉसिबल है, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट और कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा। इससे लोगों को अपनी पर्सनल व्हीकल को छोड़ने का बहुत अच्छा रीजन मिल जाएगा। इसके इंटरनेशनल एग्जांपल्स में पेरिस की आरईआर और लंदन की क्रॉसरेल भी आती है। जो नए रेजिडेंशियल जोन्स प्लान किए जा रहे हैं उनमें अर्बन डिजाइन को इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे डेंसिटी ज्यादा रखी जा सकती है, वॉकेबल नेबरहुड्स बनाए जा सकते हैं जो कि पब्लिक ट्रांजिट से बेहतर कनेक्टेड हों। इसके स्टार्टिंग फेजेस से ही ट्रांजिट को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल नेदरलैंड्स का आता है, जिसके नए नेबरहुड्स में ट्राम लाइंस पहले से ही बिछा दी जाती हैं लोगों के मूव इन करने से भी पहले से। साइकिल लेन्स भी हर जगह मौजूद हैं उधर, तो ज्यादातर लोग साइकिल करना ही पसंद करते हैं और वो भी हर वेदर में, स्पेशली विंटर्स में। इंडिया में भी कई लोग साइकिल से ट्रैवल करना पसंद करेंगे अगर ऑप्शन दिया जाए तो, गर्मी के बावजूद। सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ के लिए हमें वॉकेबल और साइकिल फ्रेंडली नेबरहुड्स की डिमांड करनी चाहिए, क्या पता जल्द ही मिल जाए। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।